आज की हमारी कहानी है पायल की झनकार। रेखा पति से बोली, अजी सुनते हो? सुभाष काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रहा था, पत्नी ने टोका तो वह खिंचते हुए बोला, क्या है? रेखा बोली, 10 दिन से कह रही हूँ मेरी पाजेब टूट गई है, पुरानी भी हो गई है, घिस कर बहुत कमजोर हो गई है, नई पाजेब ला दो ना। गुस्से में बोला, ये घड़ी देख रही हो? दोस्त ने इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट में दी थी, 1 महीने से इसकी चैन टूटी हुई है, धागा बांध कर काम चला रहा हूँ, तुम भी पौजे में धागे बांध कर काम चला लो सकती हो, वैसे भी तुम पूरे दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम्हारी पौजे कौन देखता है? कुछ दिन बिन पौजेब के काम नहीं चल सकता है क्या? कड़की चाल रही है, पैसे हाथ में नहीं आ रहे हैं, तुम समझती क्यों नहीं? इतना कहकर वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। सुभाष की डांट सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ गए थे। 10 दिन से बिना पौजेब के सोने पैर लेकर घूम रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था, वह रोने लगी, रोते रोते बड़ा बड़ा रही थी, खुद ही कहते थे, रेखा तुम्हारी पायल की झनकार से घर में बरकत आती है, जब थक का हारा घर पहुंचता हूँ तब तुम्हारी पायल की छम छम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में आ गया हूँ, जब तक तुम्हारी पायल की झनकार नहीं सुन लेता तब तक दिल को चैन नहीं मिलता यार। फिर आज उन्हें चैन कैसे मिल रहा है? फिर रेखा को याद आया कि पायल का टूटना तो अशुभ होता है ना, हो सकता हो पायल के टूट जाने से इनका हाथ तंग हो गया हो, बरकत नहीं हो रही हो। कुछ सोचकर रेखा दोपहर को बाजार के लिए निकल गई, उसके पास एक पैसे भी नहीं था, सिर्फ टूटी हुई पायल थी। उसने एक ज्वेलरी का दुकान पर वो टूटी हुई चांदी की पायल बेच दी, फिर उन पैसों से पति के लिए एक घड़ी खरीद ली, कुछ पैसे बच गए थे, उन पैसों से उसने नकली पायल खरीद लिया ताकि पैर सुनी ना रहे। अब रेखा बहुत खुश थी, वह सोच रही थी शाम को जब वो पति आएंगे तब उन्हें ये घड़ी भेंट करूंगी। उन्हें घड़ी पहनने का बहुत शौक है, चैन टूटी हुई और पुरानी घड़ी उनके हाथ पर अच्छी नहीं लगती। फिर रेखा ने अपनी नकली पौजेब की तरफ देखा जो बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। वह पौजेब पहनकर पूरे घर में छम छम करती हुई चलने लगी। भोली भाली रेखा घर के सोई हुई बरकत को छम छम की आवाज़ से जगाने लगी। वह मुस्कुराते हुए घर में हर कोने में घूमी, हर जगह रुककर पैरों को जमीन पे पटकते हुए पायल के घुंघरुओं का नद करते हुए लक्ष्मी माँ की स्मरण करने लगी। शाम को सुभाष घर में आया तो देखा वह छम छम करती हुई गेट खोलने दरवाजे पर आई। पत्नी के कोमल पैरों के साथ पायल की झनकार से सुभाष का मन भी ताजगी से भर गया। वह उसके पैरों की तरफ देखता हुए बोला, ये नई पायल कहाँ से ले आई? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अपनी टूटी हुई पायल बेच दी, उसकी जगह पर नकली पायल ले आई, बाकी पैसे बचे उनसे मैं आपके लिए एक गिफ्ट ही लाई हूँ, लाओ जरा अपना हाथ इधर करना। फिर उसने खुद ही सुभाष के हाथ में पकड़कर उसमें नई चमचमाती हुई घड़ी पहना दी। ये सब देखकर सुभाष की आंखों में आंसू आ गए, वह रुदले गले से भर गया, बोला, मेरे लिए असली घड़ी लाई और अपने लिए नकली पौजेब? वह बोला, पौजेब तो पौजेब होता है जो जी, क्या नकली और क्या असली, और मेरे असली गहना तो आप हो जी। सुभाष अपनी जेब में हाथ डालकर नई चांदी की पौजेब निकालते हुए बोला,
मेरी सुंदर और मासूम सी पत्नी के पैरों में लोहे की पौजेब शोभा नहीं देती। ला, पैर इधर कर, मैं इनमें असली चांदी के पौजेब पहनाऊंगा। वह आश्चर्य से पति के हाथ में दमकती हुई सुंदर सी पौजेब को देखते हुए बोली, ये आप कहाँ से लाए हैं? वह बोला, नौकरी छोड़ने के बाद इतने दिन पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मगर आज मुझे परमानेंट जॉब मिल गई। उसी का कुछ एडवांस मिला था। इन सुंदर सी पायल को खरीदने में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने वो घड़ी बेच दी। इतना सुनते ही रेखा के रुलाई फूट पड़ी। वह बोली, अपने मेरे लिए अपनी कीमती घड़ी बेच दी? वह उसको पौजेब पहनाते हुए बोला, नौकरी चली जाने के कारण थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए सुबह गुस्सा आ गया था, वरना तुझसे कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है पगली। फिर दोनों पति पत्नी भारी आंखों से दूसरे के गले से चिपट गए थे। गुस्सा कुछ पलों का था, मगर प्यार तो जन्मों जन्मों का था। नई पायल के घुंघरू तो और भी बड़े थे, उनकी छमछम की खनक तो पड़ोसियों तक पहुंच रही थी। अब रेखा पूरी तरह से आश्चर्य थी कि इन पायलों की झनकार से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी और खुशियों की बरकत घर में महका देगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सबको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्टोरी में क्या सीख मिली आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।